लोहड़ी के पावन पर्व पर राजा पार्क व्यापार मंडल ने लोहड़ी और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर एक भव्य आयोजन किया। मैं राजा पार्क व्यापार मंडल रवि जी और यहाँ की सारी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खुशहाली, तरक्की, उन्नति बढ़े, समाज के अंदर समरसता, सद्भाव, सौहार्द बढ़े, इसके लिए भी मैं अग्निदेव से, सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूँ। तो राजा पार्क व्यापार मंडल को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लोहड़ी के अवसर पर लकड़ी की जगह गोकाष्ठ का उपयोग किया है। निश्चित रूप से इससे गौशालाएं जो है वो स्वावलंबन उनमें आएगा और जो पर्यावरण बेकार होता है ये अपने इसके कारण लकड़ियों के कारण वो लकड़ियां बचेगी और पर्यावरण शुद्ध होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को, जयपुर वासियों को मैं लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। पावन पर्व से जयपुर वासियों, प्रदेशवासियों बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस लोहड़ी के पर्व के ऊपर हमने जो बहुत बड़ा काम किया कि आज पेड़ों को बचाया, आज सैकड़ों मन 5 दिन से गोकास्ट हमारे पास आज कम पड़ गई। आज आप देख रहे हो कि जो आज हमने गोकास्ट आज रानी थी वो भी हमारी आदि है। शाम के 8 बजे तक लोग हमारे से गोकास्ट लेके जाते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये पर्यावरण को ठीक करने के लिए आज पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है, गौ माता को बचाना बहुत जरूरी है। गोकास्ट के अंदर देसी गौ माता का घी और सामग्री मिली हुई है और लोगों ने इसको पूजा के तौर पे लिया। आज मैं जहाँ तक मान के चलता हूँ कि हमारे पूरे जयपुर के पंजाबी समाज ने कि एक घर में भी लकड़ी नहीं जली, सभी ने गोकास्ट के साथ, इस गोकास्ट का सारा पैसा गौशालाओं में जाएगा और ये जो गोकास्ट के धुआं उत्पन्न हो रहा है इससे अंदर हवा के अंदर जो गंदा वायरस है वो खत्म होगा और ऑक्सीजन बनने में मदद करेगी। मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आपने हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाया और जयपुर के पूरे लोगों ने इसका सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद।